बन रही है ये जान लेते हैं। आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद है। आशीष, पहले तो इंडेक्स पर आपका कमेंट, 8782 के लेवल पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, शुरुआत अच्छे जोन में हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिख रही है, अभी निफ्टी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग होल्ड किए हुए हैं निफ्टी पर? जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन होल्ड की है उनको होल्ड करने की मैं सलाह देता हूं। आज के सत्र के लिए एक लेवल जो है वो मैं वॉच कर रहा हूं 8750 का। 8750 के ऊपर जब तक है इंडेक्स हम निफ्टी को देख रहे हैं तो ये बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है, एटलीस्ट बेरिश मोमेंटम नजर नहीं आएगा ऐसा मेरा मानना है। अगर हम 8790-8795 के ऊपर निफ्टी को जाते हुए देखते हैं तो हम 8840 निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग पोजिशन जिनकी है वो होल्ड बना के रखें और कोई नई शॉर्ट पोजिशन बनाना ठीक नहीं रहेगा। जी, अभी हम स्मॉल कैप स्पेस में कुछ स्टॉक्स के प्राइस एक्शन को देख रहे थे। आशीष, टेक्सटाइल से शुरू कर लेते हैं। सूर्य लक्ष्मी कॉटन का आप मूव देखिए, बीते सेशन में आप डॉनर इंडस्ट्रीज, अरविंद, रेमंड, इन सभी स्टॉक्स में बाइंग देखी है। पूरे ही सेक्टर को अगर देखें तो कोई स्टॉक समझ में आ रहा है नए ट्रेड के लिहाज से टेक्सटाइल स्पेस से? अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो एक स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो है केपीआर मिल। केपीआर मिल अगर हम देखते हैं तो केपीआर मिल एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है। हालांकि एक एक दो दो दिन का करेक्शन इस स्टॉक में नजर आता है, लेकिन ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला स्टॉक होने की संभावना है। एक लेवल इसके ऊपर मैं वॉच कर रहा हूँ वो है 1183। 1183 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलना शुरू करता है तो एक 1260 तक का लक्ष्य यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये केपीआर मिल मेरा पसंदीदा शेयरों का टेक्सटाइल में से। जी, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस में कोई स्टॉक नए ट्रेड के लिहाज से समझ में आ रहा है, स्पेशली बीते तीन दिनों का जो मूव रहा इन स्टॉक का? सीएनसी कंस्ट्रक्शन, एचसीसी, पटेल इंजीनियरिंग 50-60% तक ये स्टॉक चल चुके हैं। सिंप्लेक्स, इंफ्रा, आईवीआरसीएल का मूव आप देखिए, 6-6-7% आज भी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। मुनाफा समेट लें भी ट्रेडर्स, या फिर ये तीन सेशन की स्ट्रेंथ भी और एक्सटेंड हो सकती है? कोई नए ट्रेड के लिहाज से कोई स्टॉक समझ में आता है इंफ्रा स्पेस या नहीं? सिंप्लेक्स इंफ्रा एक स्टॉक है जो मैं यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ। ये स्टॉक अभी करीबन 323-324 के ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के कगार पर खड़ा है। अभी मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा। इसके लिए जो स्टॉप लॉस है मैं 317 का रेकमेंड करूंगा और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 345-350 ऑड लेवल। जी, तो सिंप्लेक्स इंफ्रा यहाँ पर आशीष को अच्छा लग रहा है, जहां पर नया ट्रेड आप ले सकते हैं। 6.5% ऊपर है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ से भी 345 तक के लेवल्स ये स्टॉक टच करने की कोशिश कर सकता है। एक दीपक नाइट्राइट और एजिस लॉजिस्टिक्स को भी हमने शामिल किया था अभी शो में। आशीष, इन दोनों स्टॉक्स पर अभी नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? तीन सेशन से कंसिस्टेंटली चल रहा है दीपक नाइट्राइट, और एजिस लॉजिस्टिक्स में भी हमने दो दिनों में एक अच्छा मूव देखा है, अभी नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं दोनों शेयर्स में? सबसे पहले दीपक नाइट्रेट की बात करते हैं। मुझे बताने में खुशी होगी कि दीपक नाइट्रेट ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट को बहुत पहले करीबन 104-103 लेवल पे ही बाय करने की सलाह दी थी, और यहाँ से भी अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। नई खरीदारी करने के लिए मैं थोड़ा उतना एग्रेसिवली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें। 145-147 ऑड लेवल के भी लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है एजिस केमिकल, एजिस ये जो स्टॉक है इसने भी एक अच्छे खासे पैटर्न को ब्रेकआउट देते हुए ये स्टॉक नजर आया है। इस स्टॉक का फिलहाल अगर मैं रेट देखता हूं तो ये है 145-146 लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो मोमेंटम है ये जारी रहेगा। और इस स्टॉक के लिए यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 156-157 का। तो यहाँ पे जिनकी नई पोजिशन है वो अभी नई पोजिशन ना ले, जिनकी पोजिशन लॉन्ग है वो होल्ड करें।